अपने देश में इस वक्त एक इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास के इस चैप्टर का नाम है सिटीजन अमेंडमेंट बिल। लोकसभा में ये बिल पेश किया गया है और झमाझम बहस हो रही है। विवाद किस बात पर है? इस प्रावधान पर। पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं, रिफ्यूजी हैं और हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं या पारसी हैं, तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अगर मुस्लिम है तो नहीं मिलेगी। बिल में वैसे तो कई बात है, लेकिन इसी बात पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष में किसने इस बिल पर क्या कहा, और खासकर अमित शाह का वो बयान जिस पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही इस बिल के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये बिल देश के किन इलाकों में लागू नहीं होगा। सबसे पहले बिल की बड़ी बातें जान लेते हैं। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर मुस्लिम अप्रवासी भारत की नागरिकता ले पाएंगे। इस विधेयक में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक भारत की नागरिकता के लिए आवेदक का 11 साल तक भारत में निवास करना जरूरी था, लेकिन अब इस संशोधन में इन तीन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए इस 11 साल की अवधि को घटाकर 6 साल कर दिया गया है। ये बिल उन्हीं लोगों को नागरिकता देगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे हैं। अब ये जान लेते हैं कि बिल किन राज्यों और क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में ये बिल लागू नहीं होगा। वहीं त्रिपुरा, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी ये लागू नहीं होगा। पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी हो रहा है। स्थानीय लोगों की आपत्ति है कि इससे कई इलाकों में बाहर से आए लोगों का दबदबा बढ़ जाएगा, स्थानीय भाषा, संस्कृति, जमीन को नुकसान पहुंचेगा और रोजगार के अवसर स्थानीय लोगों के लिए कम हो जाएंगे। कांग्रेस इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर कहना है कि धर्म क्या हमारे देश का आधार हो सकता है? जिन्हें धर्म के आधार पर देश चाहिए था, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 5, 14 और 15 की मूल भावना के खिलाफ है। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 को कमजोर किया जा रहा है। AIMIM सांसद ओवैसी कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता देश के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये बिल मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अब आर्टिकल 14 की बार बार बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो नियम कानून जो कहता है कि देश में कानून के मुताबिक सब बराबर हैं, और ये नागरिकों, गैर नागरिकों और यहाँ तक कि विदेशी शरणार्थियों पर भी लागू होता है। अब बात कर लेते हैं बिल को पेश करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बयानों की। अमित शाह ने कहा है कि ये बिल 0.001% भी देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। बिल में कहीं भी एक बार भी मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं किया गया है, ये अमित शाह का बयान है। नागरिक संशोधन विधेयक संविधान के किसी भी अनुच्छेद का खंडन नहीं करता है। वो कहते हैं कि अगर इन तीनों देशों, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई भी मुस्लिम कानून के मुताबिक नागरिकता के लिए आवेदन करता है, तो हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन इस विधेयक का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार नहीं हुए हैं। अमित शाह ने अपने इसी संबोधन में दो ऐसी बातें भी कह दी जिससे ऐसा लगा कि क्या उन्होंने पाक और जिन्ना को क्लीन चिट दे दी है। अब वो क्या बात है, क्विंट के पत्रकार आदित्य मेनन से समझते हैं। पहला बयान ये था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में मुसलमानों का कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है, मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। तो जो इंडिया का एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में लिया था कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने काफ़ी दमन कर रखा है, बलूचिस्तान के शहरियों पर जुल्म कर रहा है पाकिस्तान, तो ये उस स्टैंड के खिलाफ जाता है। अब चूंकि बलूचिस्तान के तो ज़्यादातर शहरी के 99% शहरी मुस्लिम हैं, तो अगर अमित शाह कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा है, तो फिर बलूचिस्तान का मसला क्या है? तो फिर इंडिया का जो बलूचिस्तान को लेकर स्टैंड है, ये तो कम्प्लीटली उससे अपोजिट जाता है। ये एक एलिमेंट है अमित शाह के बयान का जो पाकिस्तान के फेवर में जाता है। जो दूसरा एक एलिमेंट है जो पाकिस्तान के फेवर में जाता है, वो ये है जो अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया।
तो अगर कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया धर्म के आधार पर, तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने क्या किया? जो पाकिस्तान की मांग आई थी वो तो मुस्लिम लीग की तरफ से आई थी, जिन्ना की तरफ से आई थी। पार्टीशन कराया ब्रिटिश ने, लेकिन पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो अमित शाह डाल रहे हैं कांग्रेस पर। अब कांग्रेस की भी जाहिर है इसमें भूमिका थी, इससे कोई इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरा ब्लेम कांग्रेस पर डालना एक तरह से जिन्ना को क्लीन चिट देने के बराबर है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद कुल जमा सवाल ये उठ रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु बनते बनते कहीं हम ट्रैक से भटक तो नहीं गए? कहीं हमारा धर्म निरपेक्ष देश धर्म विशेष के खिलाफ तो नहीं जा रहा है? यकीन नहीं होता कि ये अपने देश में हो रहा है। नागरिकता मिलेगी, पहले धर्म बताओ के स्टाइल में अब कानून बनने जा रहा है।